झालावाड़ जिले के चौमेला और उनहेल भाजपा मंडल द्वारा जयपुर में चेयरमैन एवं पार्षदों को निष्कासित करने के विरोध में गंगधार उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर उनका निलंबन रद्द करवाने की मांग की गई। चौमेला मंडल अध्यक्ष गौतम जैन ने बताया कि वर्तमान गहलोत सरकार तानाशाही पर उतर आई है और जनता के चुने हुए चेयरमैन और पार्षदों को हटाना अलोकतांत्रिक है। साथ ही दोनों मंडलों ने अपील की कि हटाए गए पदाधिकारियों का निलंबन जल्द वापस ले, अन्यथा पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देते समय सुल्तान सिंह, भगवान सिंह, अशोक गायरी, आदित्य कटारिया, करण सिंह, भूपेंद्र सिंह, हेमराज सिंह, कृष्ण मेघवाल, उमराव सिंह, राम सिंह, राजेश नीमा, चंद्र सिंह, महमूद खान सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। किस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा? हमने आज गहलोत सरकार की जो कुनीति है उसके लिए ज्ञापन दिया है, जिसमें जयपुर की सोमिया जी गुजर और दो चेयरमैन एक पार्षद, उनको रात में उन्हें निलंबित किया है जो गलत है, उसको वापस बहाल करने के लिए हमने ज्ञान दिया है ज्ञापन। इसमें हम से ही करते राज्यपाल महोदय से कि इनको जल्दी से जल्दी बहाल करे, वो उनके पद पर वापस ये करे। ये